हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अब इलेक्ट्रिक बोर्ड के बारे में हम आपको एक इसके जो पार्ट्स आते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। दोस्तों, मेरे को काफ़ी भाई ने कमेंट किया हमारे चैनल के ऊपर, वीडियो के ऊपर, तो उन्होंने बताया था कि लाइट फिटिंग के बोर्ड के अंदर हमने ऐसे बहुत सारे स्विच और पॉइंट्स देखे हैं, उसके पार्ट्स देखे हैं, लेकिन इसके बारे में मैंने उनसे बोला और उसे नंबर लिया, फ़ोटो सेंड की। ठीक है, ये वाला जो आपने होल्डर के बारे में, ये सपोज करो एग्जांपल के लिए मैं एक बोर्ड दिखा रहा हूँ, लाइट फिटिंग अगर आप घर में करवा रहे हैं तो बहुत सारे घरों के अंदर आपने लाइट फिटिंग के अंदर बोर्ड के अंदर जो होते हैं आपने इसके स्विच देखे होंगे। इस टाइप के स्विच आपने बहुत सारे देखे हैं, रेगुलेटर आपने देखे हैं, 5 पिन सॉकेट आपने देखा है, 2 पिन सॉकेट देखा है, होल्डर देखा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक लाइट भी आती है, इंडिकेटर, ठीक है, वो भी आपने देखा है, और एक फ्यूज भी देखा होगा, लेकिन सबको समझ में आ जाता है, लेकिन एक चीज़ ये वाला पार्ट्स होता है इसके बारे में आपने नहीं देखा होगा शायद, और देखा होगा तो आपको नहीं पता कि ये किस चीज़ का क्या काम करता है। लाइट फिटिंग के अंदर ही देखा होगा, नॉर्मल बोर्ड के अंदर नहीं आता है, लाइट फिटिंग के अंदर आता है। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नॉर्मल फिटिंग ये वाली होती है, एक फिटिंग होती है जो हमारे ऐसे स्विच आते हैं जो मॉडुलर स्विच बोलते हैं, इसके अंदर भी इस तरीके का एक सॉकेट आता है। ये वाला सॉकेट क्या काम करता है, किस चीज़ का होता है, तो मैं आपको काम करता है तो मैं आपको इस वाले सॉकेट के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, अब वाले ज़माने के अंदर पहले तो बहुत कम चलता था, लेकिन अब हर आदमी ये वाली सॉकेट लगवाने लग जाते हैं, लेकिन ये काम क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे तो ही। ठीक है ना, ये वाला जो होता है, जब हम लाइट फिटिंग करवा रहे हैं अपने मकान में, लाइट फिटिंग करवा रहे हैं, ओपन करवाओ या अंडरग्राउंड करवाओ, सभी वायर को हम फिट इसके अंदर करवा देते हैं और अंडरग्राउंड करवा देते हैं, लेकिन ये वाला जो सॉकेट होता है, जब हम टीवी का जो हमारा कनेक्शन होता है, टीवी का होता है दोस्तों, ये वाला जो हमारा जो है ना डिश वायर होता है, टीवी का जो एंटीना हो गया, छतरी हो गई, जो ऊपर की जो होती है छतरी टीवी सिग्नल वाली, ये उसका जो वायर होता है, ये बताऊँ। अगर आप लाइट फिटिंग करवा रहे हैं तो लाइट फिटिंग के साथ साथ सभी वायर हमें इसको अर्थिंग का, इन्वर्टर का, सारा प्लस माइनस का डलवाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, एक टीवी का जो वायर आता है उसको भी आप इसके अंदर फिटिंग के अंदर डलवाना है ना, ताकि हमारा जो ये वाला वायर टीवी का ओपन नहीं आता है। लगभग आपने सभी को देखा होगा फिटिंग हो रखी होती है, लेकिन फिर भी टीवी का वायर ओपन होकर आता है दोस्तों, तो ये हमारा अच्छा नहीं लगता है, लुक ख़राब हो जाता है फिटिंग का। तो ये एक डिश वायर है, आप देख सकते हैं इस टाइप का, जो छतरी का वायर बोलते हैं इसको, डिश वायर। अब इसके अंदर ये बारीक वाले वायर होते हैं और एक बीच वाला कॉपर का वायर होता है, बीच वाले वायर को हम इसके अंदर कनेक्ट करते हैं स्क्रू के बीच में यहाँ पर, और दूसरे वाले अर्थिंग के वायर को हम इस ब्लेड के अंदर, पत्ती के अंदर है ना, लगा देते हैं। उसके बाद में ये हम एक पिन होती है, वो वाली पिन हम इसके अंदर, मैं भी वो बताऊंगा आपको, वो वाली पिन बताऊंगा दोस्तों, वो पिन इसके अंदर लगा देते हैं और डिश वायर के अंदर चल जाती है, डिश के अंदर सेट बॉक्स के अंदर कनेक्शन हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बार बार जोड़ना नहीं पड़ता है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़, अब आपको समझ में आ गया तो आप भी ध्यान रखें फिटिंग करवा रहे हैं या ऐसे सॉकेट लगवा लें, ताकि आपको सुविधा रहे, सेफ्टी रहे। ठीक है, ओपन वायर नहीं आएगा छतरी का, डिश का। ठीक है, ये हमारा 2 पिन होता है, जो 2 टांग वाली पिन इसके अंदर लग जाती हैं, यहाँ पर मोबाइल चार्जर के लिए 5 पिन सॉकेट, कूलर की बड़ी वाली पिन, ये पंखे का रेगुलेटर होता है, यहाँ पर एक फ्यूज भी आता है। इस चीज़ के बारे में नहीं पता था तो आपको मैंने बताए हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।